जय हिंद मित्र बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए जो है हिंदी के इस प्रैक्टिस सीरीज को भी हम लोग देख लें, जो कि आपके आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं उस दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग सीधा आ जाते हैं प्रश्न पर। यर लवर किस प्रकार का व्यंजन है? ए कहता है उष्ण है, बी कहता है अंतस्थ है, सी कहता है स्पर्श है, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो मे पे ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो क्या है? निम्न में अर्धस्वर है, पहला ऑप्शन है य, बी कहता है र, सी कहता है म और डी कहता है ल। तो मे पे ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह जो है आपका अर्धस्वर कहलाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर तीन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है कि निम्न में से दंत ध्वनि है कौन से? पहला ऑप्शन है ख, बी कहता है च, सी कहता है ल और डी कहता है फ। तो मे पे ऑप्शन यहाँ पर आपका ल जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है? हिंदी की ब ध्वनि है, यहां पर क्या है भैया? उपपद्मानिया नाम ओष्ठ। तो भैया यहां पर आपका क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। तो आप लोगों को याद है ना दोहा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांच। क्वेश्चन नंबर पांच कहता है इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो भैया यहां पर ध्यान देना है, क से लेके म तक जो है आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब यहां कौन नहीं है ये देखिए, क ट च ये सब क से लेके म तक स्पर्श में आते हैं, तो कौन नहीं आता है? तो आप कहेंगे सर जी चौथा अर्थात डी, य नहीं आता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर छह। क्वेश्चन नंबर छह क्या है? इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? पहला ऑप्शन है व, बी है ब, सी है र और डी कहता है ल। तो भैया यहां पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सात की ओर। क्वेश्चन नंबर सात क्या कह रहा है कि निम्न में अर्धस्वर कहलाता है, कौन है भैया अर्धस्वर? य, र, म, ल। भैया ये प्रश्न अभी हो चुका है प्रीवियस में, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा जवाब है आप सभी का। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थ किस वर्ग का व्यंजन है? तो भैया यहाँ पर थ किस वर्ग का व्यंजन है? तो यहाँ पर आपको बताना है ए तालव्य, बी है उष्म, सी है दंत और डी है कोई नहीं इनमें से। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन सी दंत जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। त का उच्चारण होता है कहां से? तो भैया यहाँ पर बताना, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा दंत। तो भैया यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। ट किस प्रकार के व्यंजन है? तो भैया कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है या आपका दंत है? तो मे पे बच्चों यहाँ पर आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे मे पे बच्चों आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हिंदी व्याकरण से कराए गए। तो मैं उम्मीद ही नहीं विश्वास करता हूँ कि मे पे बच्चों आप लोगों को क्लासेज अच्छी लगी होगी। यदि क्लासेज अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को जो है एक बार लाइक करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।